future. Bismillah. बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, ये मेरी फूड सिटी चाबी है। लाहौर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट आप दोस्तों मैं विजिट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह एक और पॉइंट मैं आप दोस्तों लेकर हाजिर हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सब्जियाँ तैयार हो रही हैं, और इससे पहले मैंने कई पॉइंट विजिट किए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आई इससे पहले किसी पॉइंट पे नजर नहीं आई। तो चले इंशाल्लाह चलते हैं और आप दोस्तों के साथ व्यू शेयर करते हैं और एड्रेस शेयर करते हैं और यहाँ का एड्रेस भी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। चले शुरू करते हैं आज के लिए। शायर कहता है, उच्चे बुर्ज लाहौर दे जिथे जल्दे चार मशाल, और लाहौर के बारे में मशहूर है, जिन्हें लोर नहीं तकिया वो जमे नहीं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर पहुंच गया हूं जिंदा दिलाने लाहौर की एक और बहुत ही मशहूर प्लेस, जहां पर हमें मिलेंगी बहुत ही आला किस्म की सजियां बारबेक्यू। जी भाई साहब, ऐ सारा कुछ वेख के तो पेट के चूहे तंग करना शुरू हो गए ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं शालामार अस्पताल के बिल्कुल करीब मौजूद अब्दुल रहमान सजी बारबेक्यू। इनका दावा है हमारी जैसी सजी आपको पूरे लाहौर में नहीं मिलेगी। ये तो भाई साहब अब टेस्ट करके ही पता चलेगा। अभी इस वक्त मैं शालामार रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल हैं, माशाल्लाह छोटे छोटे काफ़ी पॉइंट हैं, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ ये है अब्दुल रहमान सजी एंड बारबेक्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सजियाँ जो तैयार हो रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि रश भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा भाई से बात भी करेंगे और कुछ रेट वगैरह भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है सर, ठीक ठाक है? दुआ शुक्र। अच्छा भैया पहले तो ये बताएंगे ये एड्रेस कौन सा है, किस जगह पे आपकी शॉप है? ये शालामार लिंक रोड। क्या प्राइस वगैरह है इसकी? 2500 रुपए फुल सजी का। अच्छा 2500 रुपए में फुल सजी, और साथ में क्या क्या होगा? फुल सजी चार प्लेट चावल रहता सलाद। फुल सजी चार प्लेट चावल, कम से कम चार बंदे खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं देख लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह रश भी हेल्पर ठीक ठाक है, और जब हम आए थे बहुत ज़्यादा रश लगा होता, और सीटिंग एरिया की बात करूँ तो इनके पास फैमिली हाल भी मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये शॉप भी है, इसके साथ भी शॉप है, काफ़ी माशाल्लाह जगह है बैठी के। आप यहाँ का रूट विजिट करेंगे, बाकी इंशाल्लाह टेस्ट चेक करते हैं और अंदर जगह देखते हैं और आप दोस्तों भी शेयर करते हैं। देख दिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है, यहाँ पे सब्जियाँ तैयार हो रही हैं और यहाँ पे चावल वगैरह तैयार हो रहे थे, मैं आपको बताता हूँ ये चेक करूँगा। ये जी सब्जी को मसाला वगैरह लगाया जा रहा है, चार पीस पहले कर दिए और उसके बाद नींबू छिड़का जा रहा है जिससे इसका टेस्ट जो है ना दोबारा हो जाना है, और बाकी फिर नींबू के बाद फिर मुझे मसाला, और ये जो मिट्टी का क्या कुछ बोलते हैं चावल में और क्या क्या चीज है? एक तो चावल है, मीठे मीठे वो जो होते हैं पचीरे वगैरह वो कुछ डाली है, ये सिर्फ बिरयानी वाला चावल है, लेकिन चावल का साइज बहुत बड़ा है यार। चावल बड़ा, चावल बड़े वाला है ना, स्पेशल चल रहा है, स्पेशल चावल। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो चावल वगैरह तैयार करना बहुत अच्छे चावल है माशाल्लाह, अभी टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह। और सामने ये बारबेक्यू माशाल्लाह ये भी तैयार हो रहे हैं, ये चेक करना। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था ये सामने एक हाल है और ये एक सामने एक रूम है, और इसके ऊपर एक हाल भी है। तो हाल में क्यों फैमिली वगैरह बैठी है, ऊपर नहीं जा रहे हैं, नीचे हम बैठ के इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑर्डर रेडी हो गया। तो लोकेशन की अगर बात करूँ तो मेरे राइट साइड पे इस टाइम शालामार हॉस्पिटल बहुत मशहूर है यहाँ की, और मेरे लेफ्ट साइड पे मुगलपुरा पुल है, और ये सामने लोकेशन है जी। और दुकान की अगर मैं बात करूँ तो अब रहमान सजी एंड बारबेक्यू फैमिली हॉल, क्योंकि ऊपर ये जो आप देख रहे हैं सामने हॉल बना हुआ, और नीचे शॉप्स हैं जो हमारे से आगे नीचे बैठ जाते हैं और फैमिली वगैरह यहाँ ऊपर बैठ जाती हैं। तो चले भी चलते हैं और ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद अब दूसरों को शेयर करते हैं।
ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ पे हो रही है बारबेक्यू की तैयारी और ये सामने गर्मा गर्म मसाला बारबेक्यू तैयार हो गया। और अभी इसके बाद मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ, एक बार सिटिंग एरिया दिखाता हूँ, ये सामने सिटिंग एरिया बनी हुआ जी, चीज़ यहाँ पे लगी है। और उसके अलावा ये सामने ऊपर कैमिया बना हुआ है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के आपको कैमिया पे विजिट करते हैं। माशाल्लाह ये चेक करें, बड़े जबरदस्त किस्म के सोफे लगा के उन्होंने जो है सीटिंग वगैरह बनाया हुआ है और यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह। और ये रहा जिनका मेन्यू चेक करेगा, इस पे सब प्राइस वगैरह मेंशन है, इस पे हाफ सजी 1150, फुल सजी 2250 और मुख्तलिफ जिनकी इनके पास चीज़ें, चिकन 81 200 रुपये में, नान 30, रायता 50, यानी कि मुख्तलिफ, ये आप पोज करके चेक कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ऊपर गए थे हाल देखने के लिए, तब हमारा ऑर्डर रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा जी चेक करें इस मुर्गी को कैसे चावल दफन किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आप उसको शेयर करेंगे कि आया ये पॉइंट विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलें पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, और साथ में जो है चिकन ऐड करेंगे ताकि जो है पहली बाइट मुँह में जाए और पता चल जाए। बिस्मिल्लाह क्या बात, क्या बात है, साथ में रहता। और ये जो डिश है वो बंदे इसको रच के खा सकते हैं अलहमदुल्ला, यानी कि 1150 रुपये में आप दो बंदे बहुत इजी पेट भर के खा सकते हैं अलहमदुल्ला। और माशाल्लाह जी इसमें चेक कर रहा है, हाय हाय बाबा जी लाहौर लाहौर है, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे रायता और साथ में सलाद। और अब ये जो बाइट बनी है ये चेक कर, हाँ 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 और जी मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए। लाजवाब, मजा आ गया, पैसे पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भाई ने हमें ला दिए लेमन, इसमें लेमन ऐड करेंगे और इसका टेस्ट थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे। मसाला तो वैसे मैं लाइट खाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड करेंगे, मसाला ऐड करके इसको मज़ीद तीखा बनाएंगे ताकि बाइट ले तो मज़ा आ जाए। नहीं जी अभी ट्राई करते हैं, जो खुशबुएं आ रही हैं, हाँ हाँ माशाल्लाह कमाल का ज़बरदस्त, बिल्कुल डिफरेंट हो गया जैका। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि फुल सजी जो है 2250 रुपये की और हाफ जो है 1150 रुपये की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। और अगर फुल सजी रहे तो साथ में चार प्लेट चावल मिलेंगे, जो चार बंदे बहुत आराम से और पेट भर के खाना खा सकते हैं। हम दो बंदे थे, मैं था, मेरे साथ असलम भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खाया और चावल इतने ज़बरदस्त थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चले अभी थोड़ी सी डिटेल भाई से जानते हैं कि कितना अच्छा होगा इनको यहाँ पे सेटअप नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या भाई साहब, क्या हाल है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा कितना अच्छा हो गया ये मंजिला सेटअप नहीं हुई है, ये हो गए को 15 साल, 15 साल हो गया माशाल्लाह, 15 साल से आप ही कर रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद भाई मुझे बता रहे थे कि इसके अलावा भी सेटअप बना रहे हैं। हाँ जी वो घास मंडी है भगवानपुर, अच्छा वो 8-10 दिन में हो जाए, इतना ही बड़ा इंशाल्लाह ताला। अच्छा टेस्ट भी यही है, यही चीज होगी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। रहमान सजी विजिट करने पर अभी हम आ गए हैं सोडा बोडा, ये सामने शॉप है सोडा बोडा की, और अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे कोई अच्छा सा सोडा, तो अंदर चलते अंदर चलकर आप भी उसका शेयर करेंगे कि इनके पास अच्छा सोडा कौन सा है। तो भाई से भी बात हुई है, वो मुझे बता रहे थे कि आपको पहले चेक करवाते हैं, क्योंकि कुछ सोडे इस तरह के हैं कि जो बड़े पीते हैं, कुछ है बच्चों के लिए। चलिए ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप भी उसमें खूब इसको इन्जॉय करेंगे। तो ये समय दुकान के अंदर है,
फॉर मॉइस्चराइजर के पास चेक करेंगे, मशीन वगैरह लगी है या फिर चेक करेंगे। सबसे पहले भी हम ये चेक करवाएंगे और उसका चेक करवाने के बाद जैसा कि जी ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें और बताएं जरा। ये जो फ्लेवर डाले हुए ना माले के मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ओरिजिनल फ्लेवर है, मतलब ओरिजिनल जैसे फलों का नहीं होता जो उसका है, लेकिन उस तरह के बिल्कुल लग रहा मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मजा आ गया ये भी टेस्ट करके। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जाम लगा, पहले पहले अच्छी डाला, उसके बाद अभी जो फ्लेवर मैंने ट्राइज किया है ये था ग्रीन एप्पल और बाकी कुछ मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ प्राइस वगैरह इसमें मेंशन है। चलिए ये देखिए जी भाई अभी तैयार कर रहे हैं और ग्लास भाई जो डिस्पोजल ग्लास है माशाल्लाह कितने बड़े बड़े ग्लास। इसके अलावा इससे पहले भी काफ़ी खराब ये हुआ था तो ये पी के देखते हैं कि पूरा पिया भी जाता कि नहीं, अगर अच्छा लगा तो इंशाल्लाह एक और भी ट्राई करेंगे। तो चले हमारा आ गया जी ये चेक करें, ये ग्लास आ गया ग्रीन एप्पल में। असलम भाई कैसा होगा ये? ये तो ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। बहुत आला, जो पहले भाई ने चेक करा था वो इतना ठंडा नहीं था और उसमें जो छोटा था वो कम था, ये ठीक है माशाल्लाह क्योंकि इसमें बर्फ डाल दी और बाद में ठंडा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया है और इससे पहले जो खाया पिया है वो ये हजम करेगा इंशाल्लाह। दिल कर रहा है पी जाए लेकिन गुंजाइश भी नहीं है जी। इसकी प्राइस डाल दो सौ का शेयर नहीं की, ये सिर्फ है जी 150 में, जो सब फ्लेवर मर्जी ले लें और इससे जो डिफरेंट भी है उसकी प्राइस भी सबसे डिफरेंट है। और जैसा कि पहले मैंने लिया था ग्रीन एप्पल और अभी एक्सचेंज किया है असलम भाई के साथ, मैंने कहा एक चीज़ दो शिकार होनी चाहिए थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होना चाहिए। तीसरा फ्लेवर अभी हमने दोबारा मंगवा लिया है, उसके अंदर ये है कि माशाल्लाह मज़ा आ गया। अभी जो मंगवाया ये था ऑरेंज सोडा, तो यहाँ पे दुकान के ऑनर भी मौजूद हैं, जरा उसी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई हमें बताएं कितने फ्लेवर आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास 52 फ्लेवर अवेलेबल है जी। अच्छा माशाल्लाह, तो कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे माशाल्लाह ये शॉप की? इस ब्रांच पे सवा साल हो गया है। सवा साल माशाल्लाह। और ब्रांच भी आपकी? हाँ जी। और ब्रांच किस? मेन ब्रांच हमारी जोहर टाउन है, जोहर टाउन एलडीए कॉम्प्लेक्स के साथ। उसके अलावा पीआईए रोड पे है, गार्डन टाउन में है, बैरिया टाउन में है, चाटबाग है माशाल्लाह। देखिए जैसा भाई बता रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ब्रांचेस माशाल्लाह लाहौर में मौजूद हैं, तो टेस्ट माशाल्लाह उसकी बात ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेकमेंड करूंगा आप आए यहाँ पे सोडे ट्राई करें, टेस्ट करें, फिर हमें बताएं कि आया मजा आया या नहीं आया। रहमान सर जी के बाद छोटा बड़ा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आया। तो अभी जिस ब्रांच पे मौजूद थे ये थी शालमार ब्रांच, इसके अलावा जैसे भाई पहले बता रहे थे इनकी बहुत ज्यादा ब्रांच है लाहौर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर छोटे मोटे खाने पीने के बहुत ज़्यादा पॉइंट है, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आप दोस्तों शेयर करूँ ताकि आप दोस्त भी लाहौर के खाने का आके इंजॉय कर सकें। दोस्तों पता है लाहौर लाहौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल राइट दिमाग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।